दोस्तों YouTube 2019 के शुरुआत में ही कह दिया था कि अब स्टूडियो बीटा 2020 में आने वाला है और ये दिसंबर चल रहा है, यहाँ पर आपको अब स्टूडियो बीटा का ही चलाना पड़ेगा। इसके साथ ही वहाँ पर स्टूडियो बीटा वहाँ पर आ गया है, YT स्टूडियो में भी अब लॉन्च कर दिया है YouTube ने YT स्टूडियो में स्टूडियो बीटा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर बहुत सारे इसमें फंक्शन दे दिए हैं। जैसे कि आप स्टूडियो बीटा में देखते हैं, वीडियो अपलोड करते समय आप स्टूडियो बीटा में देखेंगे कि आपको ऐसे ढेर सारे फंक्शन दिखें जैसे कि आप YT स्टूडियो में अभी देख रहे हैं। तो ऐसे पुराना अपडेट क्या था दोस्तों, वहाँ पर पुराने YT स्टूडियो में क्या रहता था कि उसमें YT स्टूडियो के अंतर्गत काफी सारे जो क्लासिक स्टूडियो में जैसे रहता था वैसे सारे फंक्शन आपको दिखते थे, लेकिन अब क्या हो दोस्तों, YT स्टूडियो में भी स्टूडियो बीटा की तरह पूरा फंक्शन कर दिया गया है। तो YT स्टूडियो को बीटा स्टूडियो में क्यों बदला गया, इसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब वहां पर क्लासिक स्टूडियो चलते थे 2019 के पहले, या 2019 तक क्लासिक स्टूडियो चलता आ रहा है, तो यहां पर आपको क्लासिक स्टूडियो को काफी सारे यूज कर रहे थे, बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर थे सब क्लासिक वर्जन से ही वहां पर अपने वीडियो को अपलोड करते थे। लेकिन अब स्टूडियो बीटा आने की वजह से काफी लोगों को परेशानी होने लगी है, तो इसको मैं सिखाने के लिए ऊपर आई बटन पे वहां पर लिंक पे है, वहां से आप देख सकते हैं स्टूडियो बीटा में कैसे वीडियो अपलोड कर सकते हैं और स्टूडियो बीटा कैसे वहां पर यूज कर सकते हैं, उसमें आई बटन पे आप देख सकते हैं। और एक वीडियो आपको मैं और बताना चाहता हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। आप जैसे कि YT स्टूडियो कैसे यूज करें, जो कि नया वर्जन आ गया है स्टूडियो बीटा की तरह, तो उसका भी लिंक आई बटन पे वहां से जाकर देख सकते हैं। दोनों लिंक आपको ऊपर दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं और वीडियो को समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है उस पर। और मैं बताऊं दोस्तों, YT स्टूडियो को बदला गया बीटा स्टूडियो में, बीटा स्टूडियो इसलिए वहां पर प्रोवाइड किया गया दोस्तों कि आप जैसे कि क्लासिक स्टूडियो यूज करते थे तो आपको वहां पर परेशानी नहीं होती थी, वहां पर बीटा स्टूडियो जब से आया परेशानी होती थी। क्लासिक स्टूडियो जब था तो आप वहां पर जब वीडियो अपलोड करते थे तो वहां पर क्लासिक स्टूडियो मिलता था, और YT स्टूडियो में भी जाते थे क्लासिक स्टूडियो आपको मिलता था। लेकिन अब बीटा स्टूडियो जैसे कि आप देख रहे हैं 2020 में बीटा स्टूडियो आ गया है, तो आपको बीटा स्टूडियो जहां से वीडियो अपलोड करते हैं वहां भी मिलेगा, और आपको YT स्टूडियो में जब आएंगे तो वहां पर पूरा फंक्शन आपको बीटा स्टूडियो की तरह मिलेगा, जिससे आप बहुत जल्दी ही समझ कर 2-3 महीने में आप एकदम वहां पर नॉलेज कर लेंगे, जो कि अपने बीटा स्टूडियो की फिर से आप वहां पर अपने सब काम करने लगेंगे। इसलिए वहां पर अभी से ही बदल दिया गया, जिससे आप 1 महीने के अंदर पूरा फंक्शन सीख लें और आपको परेशानी ना हो 2020 में, इसलिए आपको ये प्रोवाइड किया गया पहले से ही। तो इसको आप बहुत अच्छा सीख लगते हैं, आई बटन पर लिंक है, आप देख सकते हैं कैसे क्या 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 उसमें फंक्शन दिए गए हैं और उसमें क्या क्या आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या क्या वहां पर मिस्टेक लगी है, हम आपको दोबारा वीडियो अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर देंगे कैसे आप YT स्टूडियो चला सकते हैं और बीटा स्टूडियो कैसे आप यूज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। तो आपको सिर्फ एक कमेंट करना है, आपको वीडियो दूसरे दिन मिलेगी या तुरंत वीडियो आपको मिल सकती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को फिर से एक नया ऑप्शन दे कि आपको एक वीडियो फिर से मिल सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको नई से नई वीडियो हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नए दिशा में, तब तक लीजिए वंदे मातरम।